पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन लड़कों पर 13 साल की एक लड़की से गैंगरेप का आरोप लगाए। गैंगरेप के बाद आरोपी लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। लड़की आरोपियों का नाम नहीं बता पा रही है, लेकिन उसका कहना यह है कि वो उन्हें पहचान लेगी। वाराणसी के चाबेपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की ये मासूम पड़ोस में एक पूजा के कार्यक्रम में गई थी। वहीं से लौटते वक्त उसके साथ तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की अगले दिन बेहोशी की हालत में एक खेत में मिली। लड़की के घर वालों का कहना है कि उन्होंने तीन लड़कों को शराब पीते देखा है और उन्हें शक है कि उन्हीं लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो हमारे दरवाजे पर एक गोलू नाम का लड़का था, दो बच्चे और थे, दो तीन बच्चे, वो सब दारू पी रहे थे मिलाकर, ठंडा मिलाकर, तो ये देख करके हम लोग को शक हो रहा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।